क्षमा क्षमा कर दीजिए मुझे हे पराक्रमी वानर। सागर में वास करने वाली राक्षसी मत्स्या हूँ मैं। लंकेश रावण के भय से उनके प्रभाव में आने के कारण मैं राम काज में बाधा बन रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सखा, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि सागर के जल में विचरण करने वाले अनेक प्राणियों को लंकेश रावण से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस सेना में अकेले ही सागर के अनेकों भयंकर जीवों से संघर्ष करने की क्षमता हो, आपके जैसे महाप्रतापी योद्धा हो, उससे लंकेश रावण अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। अब रावण का काल निकट है। परंतु तुम पहले ही हमारे कार्य में बहुत भारी क्षति पहुंचा चुकी हो। आप निश्चिंत रहें, उस क्षति की भरपाई मैं और मेरी सेना जल के भीतर से सेतु के निर्माण में सहयोग देकर करेंगे। तो फिर इस कार्य को पूर्ण करने का उद्यम प्रारंभ करो। जी वानर श्रेष्ठ। तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है। मायावी राक्षस, अब मैं तुम्हें तुम्हारा बचाव नहीं करने दूंगा। आश्चर्य है, आपने ठीक कहा था। वो भस्मन ओचन तो प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए वहां से लौटा है, और उसकी अवस्था देखकर तो लगता है कि वो प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए ही अपने प्राण त्याग देगा। अपना वचन निभाने के लिए तैयार हो जाओ रावण, तुम देखते रह जाओगे और सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। यदि सच में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा। अब माता सीता को सौंपने और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने के लिए तैयार हो जाओ रावण। बिखर जाने वाली शिलाएं पुनः आपस में जुड़ रही हैं। दुष्ट राक्षसों का कर अंता
सेतु काज पुनः आरंभा। श्रम महाभागी भये जलचारी, पवन तनय उत्साहित भारी। जो जो दिवस बीतते जाए, कोसों कोस बढ़ी से तू जाए। काज निकट होने संपन्ना, देखी भये रघुवीर प्रसन्ना। प्रभु के आदेशानुसार मेरु पर्वत का उपयोग सेतु निर्माण में तो न हो सका, किंतु इस पर्वत को तो मैं अवश्य ही ले जा सकता हूँ। ये पर्वत उचित है, इसे ले जाऊंगा तो शिलाओं की पूर्ति हो जाएगी। इस पर्वत की मिट्टी ने स्तंभित कर दिया है मुझे। ये कैसी माया है? ये माया नहीं है वानर, ये तो गोवर्धन पर्वत की शक्ति है। मुझ गोवर्धन की अनुमति के बिना कोई यहाँ से एक छोटा सा पत्थर भी लेकर नहीं जा सकता, और तुम मुझे ही यहाँ से उखाड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। क्षमा करें पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, मैंने समस्त वनों एवं पर्वतों को ले जाने के लिए वन देवी से अनुमति ले ली थी, अन्यथा मैं आपसे अनुमति प्राप्त करने के लिए अवश्य ही आग्रह करता। किंतु जब आपको ज्ञात होगा कि मैं किस प्रयोजन से और कहां आपको ले जा रहा था, तब आप सहर्ष मुझे स्वयं को ले जाने की अनुमति दे देंगे। ना तो मुझे यहां से कहीं जाना है, और ना ही यहां से मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे कहीं ले जा सकता है। क्या? पर्वत श्रेष्ठ, मैं चाहूं तो अभी आपके स्तंभन को भंग करके आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध यहां से लेकर जा सकता हूं। किंतु ये प्रभु की सिखाई हुई मर्यादा एवं नीति के विरुद्ध होगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूं पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, मैं आपको किसी साधारण कार्य के लिए नहीं, अपितु प्रभु श्री राम के कार्य में सहायक होने के लिए ले जाना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए? हाँ हाँ, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम के लिए बनाए जा रहे सेतु का एक भाग आप भी होंगे। देखो वानर, यदि तुम मुझसे कोई छल या परिहास कर रहे हो तो मैं इसके लिए तुम्हें कठोर दंड भी दे सकता हूँ। मैं आपसे परिहास नहीं कर रहा हूँ पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, प्रभु श्री राम की भार्या का रावण ने छल से हरण कर लिया है, अतः प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ मिलकर विशाल सागर पर लंका तक जाने हेतु सेतु का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए पर्वतों और शिलाओं की उन्हें आवश्यकता है। यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
प्रभु के कार्य को संपन्न करने के लिए मैं कोई भी वचन देने को प्रस्तुत हूँ पर्वत श्रेष्ठ। प्रभु श्री राम के दर्शन और उनका स्पर्श मोक्षदायी है। मुझे वचन दो हनुमान कि तुम मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख दिलवाओगे। आपकी श्रद्धा और भक्ति स्वयं ही आपको प्रभु के दर्शनों के अधिकारी बनाती है पर्वत श्रेष्ठ। फिर भी मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रभु स्वयं आपका स्पर्श करेंगे पर्वतराज गोवर्धन, तत्पश्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। चलिए चलिए प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान, चलिए। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय श्री राम। आशा है कि आज सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सेतु का कार्य पूर्ण हो गया, सेतु पूर्ण रूप से बन चुका है। श्री रामचंद्र की जय। 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 मेरे वानर वीरों, सेतु बंधन का कार्य पूर्ण होने पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, परंतु इस आनंद उत्सव को मनाने से पूर्व और शिलाएं लाने वाले अपने सभी साथियों को हमें सूचित करना होगा कि हमें और पर्वत शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। वो जहां हैं उन शिलाओं को वहीं छोड़कर शीघ्र ही समुद्र तट के पास पहुंचे। मेरा ये आदेश सब तक पहुंचाया जाए। अवश्य प्रभु, आपका यह आदेश संकेत द्वारा मैं शीघ्र ही सभी तक पहुंचाता हूं। मित्रों, तितलियां छोड़ो। ये रंग बिरंगी तितलियां अर्थात सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये क्या कर रहे हो हनुमान? सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः अब आपको वहां तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात तुम मुझे प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श का सुख नहीं दिलवाओगे, उनके कार्य में मुझे सहायक नहीं बनाओगे, जबकि तुमने इसके लिए मुझे वचन दिया है हनुमान। अब प्रभु के इतने निकट लाकर तुम मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित नहीं कर सकते हनुमान। किंतु पर्वत श्रेष्ठ, ये उड़ती हुई तितलियां इस बात का संकेत हैं कि सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं ही नहीं और जो भी अन्य वानर हैं, उन सबको प्रभु के आदेश के अनुसार पर्वत और शिलाएं आदि छोड़कर शीघ्र ही समुद्र तट पर पहुंचना अति आवश्यक है। मैं प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता पर्वत श्रेष्ठ। क्या तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे? तुम्हारी नीति, तुम्हारी मर्यादा का क्या होगा? हाँ, वचन की मर्यादा तो निभानी ही होगी मुझे। मैं प्रभु से विनती करूंगा, वो मेरी विनती अवश्य पूर्ण करेंगे पर्वत श्रेष्ठ। आपको भविष्य में प्रभु का स्पर्श अवश्य प्राप्त होगा पर्वत श्रेष्ठ, किंतु इस समय मुझे प्रभु के आदेश का पालन करना है पर्वत श्रेष्ठ। अतः आप मुझे
इस पवित्र ब्रज भूमि पर आपको स्थापित करने दीजिए। यदि अब भी आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो मैं सूर्य, धरती, आकाश सबको साक्षी मानकर शपथ लेने के लिए भी प्रस्तुत हूं। प्रतीत हो रहा है आपको अब भी मुझ वानर के वचन पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है हनुमान, तुम राम भक्त हो, तुम प्रभु श्री राम के सेवक हो, इतना ही पर्याप्त है मेरे विश्वास के लिए। कदाचित मेरे भाग्य में कुछ समय की प्रतीक्षा और लिखी है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पर्वत श्रेष्ठ। धन्यवाद के पात्र तो तुम हो हनुमान, भले ही भविष्य में हो किंतु तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख तो प्राप्त होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए पर्वत श्रेष्ठ। प्रणाम। जय श्री राम। सेतु, प्रभु के लिए सेतु। बहुत ही अद्भुत है ये, कदाचित संसार में ऐसा पहले ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वानर वीरों, तुम सब ने जो ये मिलकर किया है ये संसार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रणाम प्रभु। इतना अधिक विलंब कैसे हुआ तुम्हें हनुमान? प्रभु, मैं सेतु निर्माण के लिए गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहा था, तभी मुझे सेतु बंधन के पूर्ण होने का संकेत दिखाई दिया, अतः आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि पर ही स्थापित कर दिया। और फिर गोवर्धन पर्वत को मैंने, मुझे ज्ञात है हनुमान तुम्हारे वचन की रक्षा होगी, तुम्हारा दिया हुआ वचन मेरे द्वारा दिए गए वचन के समान ही है। अब सेतु बंधन का कार्य तो संपन्न हो चुका है हनुमान, परंतु आने वाले द्वापर युग में जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं स्वयं गोवर्धन के पास जाऊंगा और तब पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन मेरे स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अपनी उंगली पर भी धारण करूंगा और तब मैं स्वयं गोवर्धन के नाम से भी जाना जाऊंगा, नाम से भी जाना जाऊंगा, नाम से भी जाना जाऊंगा। उस दिन से गोवर्धन को, उसके एक एक पत्थर को मेरा स्वरूप मानकर संसार में पूजा जाएगा। प्रभु, आपने तो अपने भक्त के वचन का मान रखने के लिए उससे भी बड़ा वचन दे डाला। प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, अब ये सेतु आपके चरण कमलों के स्पर्श के लिए प्रस्तुत है। महाबली ऋक्ष वीरों, अनुपम है आपकी विशाल सेना जो मैंने भी प्रथम बार देखी। मैं रघुनंदन राम आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके प्रचंड प्रयास के कारण वो असंभव कार्य संभव कर दिया जो कदाचित देवता भी ना कर सके। मेरे लिए किए गए इस अनुपम कार्य के लिए मैं सदैव आपका आभारी हूं और इस कार्य में आपके साथ कोई और भी है जिसने अपने
पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार आपका सहयोग किया। ये प्रिय गिलहरियां देखने में भले ही छोटी हैं, परंतु इनका प्रयास बड़ा है, अतुलनीय है इनका श्रम। मैं सदैव इनका कृतज्ञ रहूंगा। गिलहरियों के अथक श्रम और अतुल्य योगदान का प्रतीक चिन्ह है, जिसके द्वारा संसार में ये इन महान कार्य के लिए सदैव स्मरण की जाएंगी। हनुमान, समय आ गया है अपनी विशाल वानर सेना और ऋक्ष सेना को लंका पर कूच करने के लिए सज्जित करने का। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान तो केवल सच्ची भक्ति की अपेक्षा रखते हैं।